नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि बाबा साहेब इस अध्याय में, ये दरअसल तृतीय कांड का तीसरा भाग है, और तीसरे भाग में बाबा साहेब ये समझा रहे हैं कि धम्म क्या है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने अपनी जो सीख है, उस सीख में तीन वर्गीकरण रखे हैं। और ये तीन वर्गीकरण क्या है? तो धम्म, अधम्म और सद्धम्म। इन तीनों चीजों को समझना, ये वास्तव में तथागत बुद्ध के वचनों की सीख को समझना है, उसके अंगीकार करना है। और बाबा साहेब ने ये सब बुद्ध और उनका धम्म में इसलिए संकलित किए कि बाबा साहेब के साथ जो लोग बुद्ध धम्म में प्रविष्ट हो रहे हैं, जो लोग बुद्ध धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, वो अपने जीवन को कैसे बदलेंगे। तो अपने बदलते हुए जीवन को वो देखे, समझे और उस बदलाव की प्रक्रिया में वो शामिल हो जाए। ये सिखाने समझाने के लिए बाबा साहेब ने ये इतना प्रपंच किया। आप यकीन माने कि 5 साल से ज्यादा का वक्त बाबा साहेब ने इस ग्रंथ की रचना में लगाया है। ऐसा माना जाता है कि जब भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया, वो देश को समर्पित हो गया, उसके बाद बाबा साहेब ने इस ग्रंथ की रचना की शुरुआत की। और उनके अंतिम समय तक, दिसंबर में, 5 दिसंबर तक इस ग्रंथ के पूर्णत्व को वो एक प्रक्रिया में बने रहे। तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाबा साहेब के जीवन की दृष्टि से भी, और उनके जो सीख है, उनकी जो समझ है और उनकी जो मंशा है, उसकी दृष्टि से भी। तो यहाँ देखिए, हमने पिछले सप्ताह, पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात, इससे अगर हम बच जाते हैं तो हमें शील लाभ होता है, चित्त लाभ होता है और दृष्टि लाभ होता है। तो ये बात हम समझ रहे थे। तो हमने पिछली कड़ी में देखा कि शील लाभ क्या है। तो शील लाभ, जब कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा से विरत हो जाता है तो ये उसका शील लाभ है। मतलब हिंसाचार से जो अलग हो जाता है, जो हिंसा में लिप्त नहीं होता, तथागत बुद्ध हिंसा से अलिप्त कर देते हैं। हिंसाचार में कभी भी उनका कोई विश्वास नहीं। फिर आगे वे कठोर शब्दों से दूर हो जाते हैं, वाणी में उनके कठोरता नहीं होती, तो वाणी की कठोरता से बाहर हो जाते हैं, ये उनका शील लाभ है। अब बाबा साहेब लिखते हैं कि चित्त लाभ क्या है। एक छोटा सा प्रश्न है बाबा साहेब का, वो लिखते हैं कि चित्त लाभ क्या है। तो उत्तर बुद्ध के वचनों से कि एक आदमी जो ना लोभी होता है, वो जो लोभ मुक्त हो गया, जो लोभ से बाहर आ गया, जो लालच से बाहर हो गया, यही उसका चित्त लाभ है। और दृष्टि लाभ क्या है? तो दृष्टि लाभ को बाबा साहेब समझाते हैं। यहां कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, यानी कि जो मिथ्या धारणा, जो दृष्टि घात में होती है, दृष्टि घात में कि भाई जो लोग ये मानते हैं कि पुण्य में कोई लाभ नहीं होता, अच्छा करने का कोई मतलब नहीं निकलता, त्याग करने की क्या जरूरत है, ऐसा जो मानकर चलते हैं, ये जो उनका दृष्टिघात है, वो जब ये मानने, जानने और स्वीकारने लगते हैं और उनका इस बात के प्रति विश्वास पक्का हो जाता है कि अच्छाई का कोई मतलब निकलता है, त्याग करने का कोई औचित्य है, ये जब उनको समझ में आता है तो ये है उनका दृष्टि लाभ। बाबा साहेब लिखते हैं कि जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो, जो उसकी घोषणा करते हैं, भिक्षुओं, ये दृष्टि लाभ है,
जब ये स्वीकार लिया जाता है, जब ये मान लिया जाता है कि बुरे कर्म का बुरा फल होता है और अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। बाबा साहेब लिखते हैं इसी में तथागत बुद्ध के हवाले से ये बात लिखते हैं, जो बोगे सो काटोगे। अब ये तो संसार का नियम है, ऐसा कभी होता है कि गेहूं को बोया जाए और बबूल को काटा जाए, या फिर बबूल को बोया जाए और गेहूं को काटा जाए? नहीं, बबूल को बोने से बबूल ही आता है। ये जो विशेषता है प्रकृति की, तो प्रकृति के इसी नियम के साथ तथागत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को भी वही शिक्षाएं देते हैं। भिक्षुओं, इन तीन लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर, मरने पर प्राणी सुगति को प्राप्त करता है। यदि ये तीन लाभ हो जाए, चित्त लाभ, दृष्टि लाभ और शील लाभ, तो इससे मनुष्य सुगति को, इसमें लिखा है प्राणी सुगति को लाभ प्राप्त होता है। और फिर ये जो पहला अध्याय है, इसे बाबा साहेब यहां समाप्त करते हैं और फिर दूसरे अध्याय पर जाते हैं। ये भी तृतीय कांड का तीसरा ही भाग है। अब दूसरे अध्याय पर आ गए बाबा साहेब, छोटा सा शीर्षक लिखते हैं कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना यह धम्म है। पहली बात उन्होंने बताया कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना यह धम्म है, और फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना यह धम्म है। तो पूर्णताएं क्या है, स्वाभाविक सा प्रश्न है, बाबा साहेब के मन में भी उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने भी एक छोटे से शीर्षक के साथ लिखा, ये तीन पूर्णताएं हैं। तो कौन सी तीन पूर्णता? शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता और मन की पूर्णता, यानी कि काया, वाचा और मन, इनकी पूर्णता। अब काया को पूर्णता कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले इसमें बाबा साहेब जो लिखते हैं कि शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता और मन की पूर्णता, इसमें शरीर की पूर्णता शीलघात ना होने दे, वाणी की पूर्णता अपनी वाणी को संतुलित रखे, संयमित बने रहे, और मन की पूर्णता क्या है? तो मन की पूर्णता है आश्रव और चित्त मल, इनका पूरा क्षय हो जाए। मतलब मन में जितनी भी लालसाएं हैं, जितना लोभ है, वो उसका क्षय हो जाए, वो गिर जाए, खत्म हो जाए। और चित्त के जितने भी मल हैं, जितने भी दोष हैं, वो सारे दोष निकल जाए। इसलिए देखिए, बौद्धों की जीवनचर्या में ये उनके रोज की प्रार्थना में शामिल है, ये उनके रोज के संबोधन में शामिल है। सचित्त परियो दपणं, वे कहते हैं सब पापस्य अकरणं, कुशलस्य उपसंपदा और सचित्त परियो दपणं, यानी कि अपने चित्त को हमेशा पूर्णता की प्रक्रिया में, परिशुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखें। अगर वो परिशुद्ध होता चलेगा तो निश्चित रूप से पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ये धम्म है। तो यहां देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आश्रमों से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है, और यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये तीन पूर्णताएं हैं, काया, वाचा और मन। अगर मन से सभी तरह के आश्रम, यानी कि इसको अगर सामान्य भाषा में समझे तो अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का हम अंत कर सके। कितनी आकांक्षाएं हैं हमारे पास, और जो स्वार्थपूर्ण है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का जब अंत हो जाता है, तब कहीं ना हम दुख मुक्ति की राह को चलना शुरू करते हैं। तो यहां बाबा साहेब ने एक छोटा सा संवाद इसमें लिखे हैं सुभूति और तथागत का। तो सुभूति और तथागत के इस संवाद में चर्चा हो रही है
पूर्णताओं की और दूसरी भी पारमिताएं हैं, भगवान बुद्ध ने उन्हें सुभूति को समझाया था। बाबा साहेब लिखते हैं कि और दूसरी भी पारमिताएं हैं जिन्हें तथागत ने सुभूति को समझाए थे। तो सुभूति को समझाई गई इन पारमिताओं को हम समझेंगे इस छोटे से संवाद के जरिए। तो इसमें बाबा साहेब लिखते हैं, सुभूति कहते हैं कि बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है। तो तथागत कहते हैं कि बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर जब दान देता है अपने भीतरी व बाह्य, और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है, और वो दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है, किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं, तब वो वास्तव में दान के लिए यानी कि दान पारमिता में वो उपस्थित होता है। पहली बात कि बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ध्यान रखकर अपने चित्त की सभी अवस्थाओं को, मन में जरा सा भी कहीं क्लेश नहीं है, मन में जरा सा भी कहीं पश्चाताप नहीं है, मन में ये कोई बात नहीं है कि मैं गलत आदमी को तो दान नहीं दे रहा हूं, मन में ये जरा सी ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मेरा दान मैं इसे क्यों दे रहा हूं, ये तो मेरा पैसा है, ये तो मेरी चीजें हैं, ये तो मेरी मिल्कियत है, मैं इन्हें क्यों दे दूं। इस बात के साथ अगर कोई मन में इस तरह का भाव रखकर अगर दान दे रहा हो, उसका कोई दान मतलब नहीं है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि अपने भीतरी और बाह्य, मतलब अपने आंतरिक और बाह्य दोनों चीजें, उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर, सर्वसाधारण के लिए, आम जनों के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए उसे बोधि को समर्पित करता है, बोधि को समर्पित करता है, और वो दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। उसके मन में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होती। तो इस आसक्ति से हट जाना ये दान होता है, सिर्फ अपनी चीज किसी को एहसान के रूप में देना ये कोई दान नहीं है। और फिर दान देने के बाद, फिर चीजें देने के बाद, उसकी मदद करने के बाद उस एहसान को जताना और बार बार जताना, कभी भी वो सामने आ जाए तो वो एहसान जताना, ये कोई दान नहीं होता। जो दी गई है उस चीज का कहीं कोई उल्लेख भी ना हो। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। आपको जोड़ेंगे सुभूति और तथागत के इसी संवाद से, लेकिन अगली कड़ी तक आपको इंतजार करना होगा। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।